हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एसएसबी एसआई जो 16/9/2018 का एग्ज़ाम हो चुका है उसका एग्ज़ाम रिव्यू, क्योंकि आने वाले सभी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए ये बेहद हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो है चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खुजराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये चंदेल रजाओं ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा अश्वघोष। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुई थी, तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में 1556 में, और तृतीय 1761 में, और प्रथम 1526 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रत्नावली पुस्तक किसने लिखी, तो ये है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, तो यह जादूगौड़ा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की जलवायु कैसी है, तो यह मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कौन सी मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो यह है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो यह है बिहार में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान देता है, तो ये हो जाएगा धर्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज को अक्टूबर 1959 में पहली बार कहाँ लागू किया गया था, तो ये है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 21वीं संशोधन में क्षेत्रीय भाषा की सूची में किस भाषा को जोड़ा गया, तो ये है सिंधु। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो ऑप्शन में दिया गया था IR विकिरण, ऑप्शन यही सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जानवरों के शरीर के लिए कौन सा ट्रेस तत्व है, तो ये है मैग्नीज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीवन की उत्पत्ति के लिए रासायनिक सिद्धांत दिया है, तो है ओपेरन और हेल्डेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अम्ल शीतल पेय में उपयोग किया जाता है, तो यह है H2CO3। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पिक्रिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश ने अकादमिक लोमोनोसोव दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया, तो यह है रसिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 63वें जियो फिल्म फेयर अवार्ड 2018 के मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष किसे दिया गया, तो यह है इरफान खान को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उबेर ने भारत में किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो यह विराट कोहली। अगला क्वेश्चन पूछा था, चौथी शताब्दी ईस्वी के बाद ओलंपिक खेलों को पुनः कब प्रारंभ किया गया था, तो 1896 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश ने मार्च 2018 में बॉल छेड़छाड़ के घोटाले का सामना किया, तो यह ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन करंट से था, अभी तो अब ट्रेडिट हो गया, 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने की थी, तो ये स्कॉटलैंड ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लिम्बा राम किस खेल से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, तो ये आर्चरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विरासत का कर कहा जाता है, तो ये संपत्ति का कर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, RBI वाणिज्य बैंक को अल्पकालिक ऋण देते हैं, उस दर को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रेपो रेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रा स्फीति अवधि के दौरान सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है, तो यह ऋणदाता को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद में सबसे पुराना देवता कौन थे, तो ये इंद्र थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1931 में आई पहली टॉकीज फिल्म कौन सी थी, तो ये थी आलम आरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मल्लिका साराभाई निम्न में से किसे संबंधित है, तो ये एक शास्त्रीय नृत्य थे। थैंक्स।